सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मुईन शमसी और आज मैं पेश कर रहा हूं प्रसिद्ध इतिहासकार श्री गिरिराज नंदन द्वारा लिखित कठेरिया वंश के इतिहास पर एक दृष्टि नामक पुस्तिका का पाठ। इस पुस्तिका में श्री गिरिराज नंदन सबसे पहले क्षत्रियों के वंश के बारे में बताते हैं। वो सूर्य वंश, चंद्र वंश, अग्नि एवं ऋषि वंश तथा नागवंश का वर्णन करते हैं। श्री गिरिराज नंदन लिखते हैं, सूर्य वंश सृष्टि पर महाप्रलय के पश्चात सुव्यवस्थित रूप से प्रजा के पालन के लिए महाराज वैवस्वत मनु को राजा बनाया गया। इन वैवस्वत मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु हुए। संन्यास ग्रहण करने एवं वन गमन पूर्व मनु ने इक्ष्वाकु को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इन्हीं इक्ष्वाकु से क्षत्रियों का सूर्य वंश प्रारंभ हुआ। चंद्रवंश का प्रारंभ भी वैवस्वत मनु से ही है। इसमें अंतर केवल इतना है कि सूर्यवंश मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु से चलता है और चंद्रवंश मनु की सर्वप्रथम जन्मी उनकी पुत्री इला से चलता है। इला का विवाह चंद्र के पुत्र बुध से हुआ था। इसी से आगे चलकर उनके वंशज एल अथवा चंद्रवंशी कहलाए। अग्नि एवं ऋषि वंश अग्निकुल सूर्यवंश का ही उपवंश है। ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म की रक्षार्थ अग्नि से वीर पुरुषों को उत्पन्न किया, उनसे अग्निवंश चला। ऋषियों द्वारा प्रतिस्थापित वंश ऋषि वंश कहलाया। नागवंश वैवस्वत मनु के द्वितीय पुत्र नृग से नागवंश का उदय हुआ। कश्यप ऋषि की द्वितीय पत्नी सुरसा से 8 पुत्रों का जन्म हुआ। ये थे एलपत्र, वासुकी, शेष, नाग, तक्षक, कंबल, अश्वतर और धनंजय। इन 8ों की संतान भी नागवंश में सम्मिलित की जाती है। इस पुस्तिका में श्री गिरिराज नंदन क्षत्रियों के शाही कुल यानी शाही खानदान के बारे में भी लिखते हैं। वो कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्र बरदाई ने अपने साहित्य में क्षत्रिय वंशावली का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त अर्वाचीन काल के वंशावली वेत्ताओं द्वारा तथा वर्तमान में ठाकुर अजीत सिंह परिहार द्वारा रचित पुस्तक क्षत्रिय वर्तमान में क्षत्रियों की वंशावली उल्लिखित की गई है। डॉक्टर गणपति सिंह गजराज ने भी शाही कुल यानी शाही खानदान का वर्णन किया है। इनके अनुसार क्षत्रिय कुल निम्न प्रकार हैं: 10 रवि 10 चंद्रमा, द्वादश ऋषियों जान, 4 अग्नि कुंडादि रचे, वंश 36 बखान। इनके अनुसार सूर्यवंशी 10, चंद्रवंशी 10, ऋषिवंशी 12 तथा अग्निवंशी 4 शाही कुल हैं। सूर्यवंशी 10 कुलों अर्थात 10 खानदानों में कठहार्य कुल का वर्णन किया गया है। ये कठहार्य ही कठेरिया कहलाते हैं। महाराज पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्रवरदाई के अनुसार वर्णित 36 कुलों की गणना में भी कठेरिया क्षत्रियों का प्राचीन नाम से उल्लेख किया गया है। कठेरिया वंश का इतिहास। कठेरिया क्षत्रिय सूर्यवंशी महाराज इक्ष्वाकु सूर्य वंश के संस्थापक थे। उनके बाद 62वीं पीढ़ी पर उनके वंश में राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इनमें भरत के 2 पुत्र हुए, तक्ष एवं पुष्कर। दोनों पुत्रों ने गांधार प्रदेश अर्थात वर्तमान अफगानिस्तान पर अधिकार किया। ये क्षेत्र भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित था। गांधार एवं उसके आसपास के क्षेत्र में भारत के वंशजों का अनेक वर्षों तक राज्य रहा। कालांतर में भारत के वंशजों में कठ नामक शाखा ने शक्ति अर्जित करके अपना अलग गणराज्य स्थापित कर लिया। इन्हीं के वंशज कठेरिया क्षत्रिय हैं। कठेरिया क्षत्रियों का कठ क्षत्रियों से संबंध इस प्रकार है। कठेरिया क्षत्रियों के आदि पूर्वज गांधार के कठ क्षत्रिय। ईसा से 500 वर्ष पूर्व कठ क्षत्रियों ने सैनिक रूप से शक्तिशाली होकर भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में रावी और व्यास नदियों के मध्य में वहां के मूल वाहिकों को हराकर कठ गणराज्य की स्थापना की। 326 ईसा पूर्व जिस समय सिकंदर ने भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश पर आक्रमण किया था, उस समय कठ गणराज्य बहुत शक्तिशाली था। वहां के राज्य प्रमुख अर्थात राजा की नियुक्ति वैधानिक रूप से निर्वाचन द्वारा की जाती थी। सिकंदर ने कैकेय राजा पुरु से युद्ध करने के पश्चात कठ गणराज्य पर आक्रमण किया। कठों ने उसका बड़ी वीरता से सामना किया, लेकिन सिकंदर की विशाल सेना के मुकाबले जीत न सके। उनका राजा अजयराज मारा गया। लगभग 17,000 कठवीर युद्ध में मारे गए।
कठ गणराज्य के दुर्ग पर सिकंदर का अधिकार हो गया। शेष बचे कठ क्षत्रिय युद्ध के परिणाम स्वरूप विवश और शक्तिहीन होकर यहाँ से पंजाब होते हुए भारतवर्ष के अन्य क्षेत्रों में पलायन कर गए। कठ गणों के वंशज कालांतर में उत्तरी पांचाल अर्थात वर्तमान रुहेलखंड में भी आकर बसे। यहाँ पर इस क्षेत्र में कठ के स्थान पर ये लोग कठेरिया प्रसिद्ध हुए। भरत को अपनी माता का कैकेय राज्य प्राप्त हुआ था। वहां से उनके पुत्रों ने शैलूष गंधर्व राजा को हराकर गांधार देश का पूर्वी भाग विजय करके वहां क्रमशः तक्षशिला एवं पुष्करावती नामक राजधानियां स्थापित की। ये नगर ऐतिहासिक काल में बहुत प्रसिद्ध हुए। रघुवंश में लिखा है कि भरत ने अपने पुत्र तक्ष एवं पुष्कर के नामों पर उनको बसाया। रघुवंश अध्याय 15 श्लोक 88। वायु पुराण में तक्षशिला को तक्ष की राजधानी बताया गया है। दर्शनलाल रोहिला क्षत्रियों का क्रमबद्ध इतिहास पृष्ठ 72, डॉक्टर केशव चंद्र सेन इतिहास रोहिला राजपूत पृष्ठ 11, आर राजपूत रोहिला तक्षक टांक क्षत्रिय वंश भास्कर पृष्ठ 107। कठ क्षत्रियों के देश के विभिन्न स्थानों पर बसने के बाद नामों में रूपांतर। कठ क्षत्रिय भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से अन्य कई प्रांतों में गए। समयांतर में क्षेत्र एवं ऐतिहासिक अज्ञानतावश देशकाल के अनुसार कठ क्षत्रियों के कठ नाम का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपांतर हो गया। पंजाब के उत्तरी भाग एवं राजस्थान में काठी एवं कुठारिये आदि कहलाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कठोड़े कहलाए, उत्तरी पांचाल यानी वर्तमान रुहेलखंड में कठेरिया कहलाए, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में कठियार कटियार कठोडिया एवं कुल्ठान कहलाए और पर्वतीय क्षेत्रों में कठैत कठवाल एवं कुठाल आदि कहलाए। कठेरिया क्षत्रियों का उत्तर पांचाल पर अधिकार। कन्नौज साम्राज्य के कमजोर होने के पश्चात सन 720 ईस्वी के लगभग कठ क्षत्रियों के वंशज कठेरियों ने उत्तरी पांचाल यानी वर्तमान रुहेलखंड के क्षेत्र में अवसर पाकर कठेहर अथवा कठेर राज्य की स्थापना प्रारंभ कर दी थी। 740 ईस्वी के पश्चात जब कन्नौज के राजा यशोवर्मन की मृत्यु हो गई तब कठेरिया रुहेलखंड कहे जाने वाले क्षेत्र में फैल गए और धीरे धीरे सारे क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। जब तुर्कों ने दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान को परास्त करने के बाद बदायूं पर अधिकार किया तब कठेरिया राजपूत इस सारे क्षेत्र में काबिज थे और उस समय ये क्षेत्र कठेर नाम से जाना जाने लगा था। कठेरिया क्षत्रियों के दिल्ली के सुल्तानों से संघर्ष। कठेर में निवास करने वाले सभी जातियों के हिंदू एवं उनका नेतृत्व करने वाले कठेरिया क्षत्रियों ने दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार का निरंतर विरोध किया। बदायूं पर अधिकार होने के बाद तुर्कों की सेनाओं ने कठेर पर आक्रमण करके इस क्षेत्र पर दिल्ली का अधिकार स्थापित किया, लेकिन दिल्ली का अधिकार बने रहने देने में सुल्तानों एवं कठेरियों में सदियों तक संघर्ष होता रहा। ये अपनी स्वतंत्रता के लिए उनके विरुद्ध विद्रोह करते थे और दिल्ली के सुल्तानों की सेनाएं विद्रोहों को दबाने के लिए बराबर आक्रमण करती थीं और बर्बरतापूर्वक दमन करती थीं। लगभग सभी शक्तिशाली सुल्तानों ने अपना अधिकार बनाए रखने के लिए कठेर पर हमले किए। ये सिलसिला लगभग 250 वर्ष तक चला। कठेर के क्षत्रिय इस काल में कभी स्वतंत्र रहे और कभी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की अधीनता में, लेकिन इस क्षेत्र में वर्चस्व निरंतर कठेरियों का ही रहा। कठेरिया वंश के प्रमुख राजा एवं सरदारों का संक्षिप्त वर्णन। उस काल में राजा को राव अथवा राय कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों के आक्रमणों के कारण कठेरिया वंश की कोई केंद्रीय राजधानी एवं क्रमबद्ध सत्ता नहीं रही। पूरे कठेर में जगह जगह कठेरिया सरदार समय समय पर शक्तिशाली हो जाया करते थे और अपने गढ़ अथवा दुर्ग स्थापित कर लेते थे और वहीं से क्षेत्र में शासन करते थे। ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित राजा अथवा राव हुए हैं। सबसे पहले राजा रामशाही का उल्लेख आता है जिन्होंने रामपुर में गढ़ अथवा दुर्ग स्थापित किया। राजा रायमान ने कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश से युद्ध किया। लगभग 250 वर्षों तक कठेर के राजपूत विद्रोही होते रहे और दिल्ली के सुल्तान उन पर आक्रमण करते रहे। 14वीं सदी के अंतिम वर्षों में राजा खड्ग सिंह का उत्थान हुआ। उसने लगभग समस्त रुहेलखंड के क्षेत्र को अपने अधीन किया। दिल्ली के तुगलक सुल्तान से युद्ध हुए। इनके बेटे राय हरि सिंह ने भी दिल्ली के सुल्तानों से संघर्ष किया।
14वीं शताब्दी के अंत एवं 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में रुहेलखंड का कठेर क्षेत्र कठेरिया राजपूतों के आधिपत्य में रहा। दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार होने के बाद कठेर पर उनके निरंतर हमले होते रहे। 15वीं शताब्दी तक कठेर के लोगों का जीवन अशांत रहा। दिल्ली पर मुगल साम्राज्य का अधिकार होने के बाद देश की राजनीतिक परिस्थितियां बदल गईं। प्रारंभ में बरेली के राजा बास देव बरलदेव का मुगलों से युद्ध हुआ, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। सूरवंश के समय में जिला रामपुर के शाहबाद कस्बे का नाम लखनौर था। यहाँ का राजा मित्रसेन था। वो 1553 ईस्वी में दिल्ली के सूर बादशाहों की तरफ से इस क्षेत्र के संभल सूबे का सूबेदार भी रहा। इसके बाद मुगल काल में कठेरियों एवं मुगल हुकूमत में एक संघर्ष का उल्लेख आता है। चौपाला पर राजा रामसुख एवं संभल के सूबेदार रुस्तम खां में युद्ध हुआ। राजा रामसुख युद्ध में मारा गया और चौपाला के स्थान पर मुरादाबाद आबाद हुआ। मुगलों के काल में कठेरिया क्षत्रियों एवं मुगल हुकूमत में आपसी सामंजस्य बन गया। यहाँ के लोग मुगल साम्राज्य के जागीरदार एवं जमींदार बन गए, जिनका मुगल हुकूमत से सीधा संबंध रहा। जागीरदार एवं बड़े जमींदार राजा कहलाते थे। उनका प्रशासनिक व्यवस्था में सहयोग रहता था। यही क्रम रुहेलों एवं अंग्रेजों के शासन काल में भी रहा। वर्तमान में कठेरिया वंश के वंशज संपूर्ण रुहेलखंड में बसे हुए हैं। तो दोस्तों, ये था श्री गिरिराज नंदन द्वारा लिखित कठेरिया वंश के इतिहास पर एक दृष्टि शीर्षक वाली पुस्तिका का पाठ। अगली मुलाकात में फिर आऊंगा लेकर कुछ मजेदार बातें। फिलहाल तो सलाम हिंदुस्तान, यानी सलामत रहे मेरा हिंदुस्तान।